दोस्तों ये खजरी स्टेशन है और यहाँ पर अभी सभी लोग देख रहे हैं टिकट काउंटर पर टिकट कटा रहे हैं। और यहाँ आज मैं आया हूँ खजरी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ से नेपाल यात्रा के लिए। जयनगर के नज़दीक में है और यहीं से अब जाएंगे जनकपुर नेपाली ट्रेन से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खजरी स्टेशन में आ गया हूँ जनकपुर जाने के लिए। दोस्तों देखिए, ये टिकट है नेपाली रेलवे ट्रेन का खजरी स्टेशन से जनकपुर स्टेशन, और कीमत है 55 रुपीज नेपाली NC। इसका भाड़ा किराया है, मतलब 55 रुपया किराया है। ठीक है, ये खजरी स्टेशन है जयनगर से, बहुत नज़दीक है जयनगर। आप ट्रेन पकड़ेंगे तो खजरी स्टेशन होते हुए जनकपुर जाएंगे नेपाली रेलवे से। ठीक है, नेपाल यात्रा के लिए ये नेपाल यात्रा स्पेशल है। दोस्तों भीड़ देखिए कितना खचा खच भरा हुआ है ट्रेन, एकदम भीड़ ही भीड़ है, मतलब खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। छठ का टाइम है, दोस्तों ये जनकपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अब ट्रेन आ गई है। जयनगर से जनकपुर आने में 1 घंटा लगता है और अभी हम लोग उतर चुके हैं जनकपुर रेलवे स्टेशन नेपाल में। ये देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, अपना अपना फोटो भी खिंचवा रहे हैं कितने अच्छे से मस्ती से। और अब ट्रेन यहाँ से जाएगी कुर्था के लिए रवाना हो रही है ट्रेन, और यहाँ से आगे जाएगी कुर्था। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, सारे लोग तो यहीं खाली हो जाते हैं जनकपुर में। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रेन यहाँ से जनकपुर से जा रही है कुर्था, जयनगर से कुर्था अभी वर्तमान में लास्ट स्टॉपेज तक जाती है कुर्था। कुर्था लास्ट स्टॉपेज है जयनगर से जनकपुर के रूट में। और मुझे कुर्था नहीं जाना है, मुझे जनकपुर से आगे अंदर नेपाल में बर्दीवास जाना है, तो मैं अभी ट्रेन से उतर गया हूँ इसीलिए। ठीक है, अब आगे मैं जनकपुर से बस पकड़ के जाऊँगा बर्दीवास। ठीक है, ये देखिए सिंधरी रोड है। बर्दीवास और ये हाईवे पूर्व पश्चिम हाईवे। दोस्तों नाश्ता करने के लिए मैं होटल में आ गया हूँ और ये देखिए मेरा टेबल खाली है और दूसरे लोगों को नाश्ता दे करके मेरा मन ललचा रहा है। दोस्तों फाइनली मेरा भी नाश्ता आ ही गया, ये देखिए कचौरी, जलेबी, पकौड़ा और सब्जी है और साथ में अचार भी, और ये बर्गर जैसे मैं लग करके खाता हूँ नेपाली स्टाइल। नाश्ता हो गया है, अब
बस खुलेगी 9:30 में, चलते हैं। यह प्रतिवास सिंधली बस स्टैंड, देखिए कितना भीड़ है। सभी लोग छठ से अब अपने काम पे जा रहे हैं, छठ करके। गाइज अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ खुरकोट मंथली, जो कि काठमांडू के रास्ते में पड़ता है। वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा आप सभी को। यहाँ से अब मैं चल दिया हूँ, ठीक है।